बकरा ईद के बारे में मेरे मन में कुछ सवाल थे जो मुझे लगा और लोगों के जहन में भी होंगे, तो मैंने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दी कि क्या कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स मेरे से इस बारे में बात करने में इंटरेस्टेड होंगे। जिन दो लोगों से मेरी बात हुई उनके इंटरव्यूज अब आपके सामने आने वाले हैं। ये जो मेरा वीडियो करने का मुद्दा है, मैं आपके पास सवालों के साथ आ रहा हूँ, किसी जवाब के साथ नहीं आ रहा। मैं कुछ समझने आ रहा हूँ, समझाने नहीं आ रहा। तो जो मेरा पहला सवाल है वो ये है, ये जो ईद आ रही है इस पे जो पशुओं की कुर्बानी दी जाती है, क्या ये नेसेसरी है? देखिए, तीन चीजें होती हैं इस्लाम में मोटे तौर पे। एक होता है फर्ज, फर्ज का मतलब होता है जो आपको करना ही करना है। एक होती है सुन्नत, सुन्नत का मतलब है अगर आप करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो आप सिंफुल नहीं होंगे। कुर्बानी जो होती है ये वाजिबात में आती है। आप इसको बाई चांस ऐसा होता है कि चलो किसी वजह से नहीं कर पाए, लेकिन आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते एकदम। पर अगर आप इसे निग्लेक्ट करते हैं तो वो सिंफुल होगा? हाँ सर, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अगर आप कर सकते हैं, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको कुर्बानी करना लाजिम है आपको। जो ये ईद है इस पे जो फाइनेंशियली एबल लोग हैं उनके लिए फर्ज है कुर्बानी? आप किताब में तो ये लिखा है कि फर्ज है उनके लिए कुर्बानी। और ये जो कुर्बानी है ये भी लिखा गया है कि किसी पशु की ही देनी होती है? मैंने समझने की कोशिश करी और मैंने बहुत ऐसे मौलाना है जिनके मैंने पर्सपेक्टिव सुने हैं उसको लेके, तो उसमें कुछ मौलाना ऐसा कहते हैं कि वो एक सिंबॉलिक जेस्चर है आपका सैक्रिफाइस, ना कि आप उसमें किसी एनिमल को लाके उसकी जान ले रहे हो। सिंबॉलिक जेस्चर का क्या मतलब हुआ? सिंबॉलिक जेस्चर से ये मतलब है कि आपके अंदर जो वाइसेस हैं और बुरी जो आदतें, आपको बुरी आदतें, नापाक आदतें, और जो आपको अल्लाह से करीब जाने में दिक्कत दे, तो उन आदतों को हमको सैक्रिफाइस करना है इन अ वे। जैसे जो हमारे ज्यादातर जो हमारी नापाक आदतें होती है वो सबसे करीब होती हैं वो हमारी, इसलिए हम उनको छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये सिम्बॉलिकली अगर हम इसको देखें तो उसमें किसी एनिमल की जरूरत नहीं है हमको लाने की और उसको सैक्रिफाइस करने की, बल्कि हमारी जो नापाक आदतें हैं हम उनको ही अगर कुर्बान कर दें, तो हम जो बेसिकली डिवोशन वाली बात होती है कि आपकी पाइटी क्या है, जो ऑलमाइटी है, जो अल्लाह है, वो आपकी पाइटी जज करता है सिर्फ, उसके अलावा कुछ भी नहीं जज किया जाता है। मतलब आप अगर एनिमल को सैक्रिफाइस कर भी दे तो ना तो उसका खून उस तक पहुंचता है, ना उसका मीट उस तक पहुंचता है, ना उसकी हड्डी उस तक पहुंचती है, सिर्फ आपकी जो तकवा है सिर्फ वही पहुंचती है अल्लाह तक। हमारा क्या है खाने तकवा, पाइटी, पाइटी। डिवोशन। तो आपके बाद में एक और जो व्यक्ति है उनसे भी बात करूंगा, वो मेरे ख्याल से अभी भी कुर्बानी देते हैं। अच्छा तो एक बार ये एक अच्छा डिफरेंट रहेगा, बहुत पर्सपेक्टिव। बढ़िया है। तो करेक्ट हाँ भाई बिल्कुल, अगर वो ये कर रहे हैं उनका भी कोई कारण रहा होगा। अब चाहे मैं उस चीज से अग्री करूं या ना करूं, बल्कि मैं तो कहूंगा अगर मैं किसी चीज से अग्री नहीं करता फिर तो मुझे उसका कारण जानना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत जरूरी है। कुछ देर पहले मेरी किन्हीं साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि कुर्बानी जो है पशुओं की दो ऐसा जरूरी नहीं है। अब जैसे जो हमारी नापाक आदतें होती हैं जो हमें अजीज होती हैं हम उनकी भी कुर्बानी दे सकते हैं। नहीं सर, देखिए कुर्बानी वो भी है, कुर्बानी का मतलब है किसी चीज का त्याग करना। मिसाल के तौर पे आपने एक जिहाद वर्ड सुना होगा, जिहाद मीडिया मतलब इसको बहुत इंटरप्रेट करता है। तो जो आपने मुझे एग्जांपल दिया कि हम अपनी बुराई को, जैसे मान लीजिए स्मोकिंग की आदत है या ड्रिंकिंग की आदत है, और फिर जब उस आदत को वो छोड़ेगा तो उसको एक अपने आप से स्ट्रगल करना पड़ेगा, और वो अपने नफ्स की मतलब अपनी जो डिजायर्स है उसकी कुर्बानी दे रहा है, वो भी एक कुर्बानी है। लेकिन आज हम बात करेंगे जो स्पेसिफिक जो बकरा ईद की कुर्बानी है, जिसमें जानवर को जिबा किया जाता है, ये भी एक तरीके की कुर्बानी है, लेकिन इसका मतलब अलग है। तो मैं आपकी जिहाद वाली बात समझ गया कि भाई एक होता है कि आपकी बाहरी लड़ाई है, एक आपकी अंदरूनी लड़ाई है। इसी तरह जो कुर्बानी है वो आप पशु की दे सकते हैं और अपनी नापाक आदतों की दे सकते हैं, पर आप कह रहे हैं बकरा ईद वाले दिन जो है पशु की ही कुर्बानी देनी होती है, ऐसा लिखा गया है? यस सर, पशु की कुर्बानी इस दिन देनी चाहिए ऐसा लिखा गया है? यस सर, ऐसा लिखा गया है। मैं आपको यही बता देता हूँ वहां लिखा गया है। कुरान के अंदर एक सूरा है, सूरा नंबर 22, इसको कहते हैं सूरतुल हज। तो इसकी अगर आप 35, 36 और 37 आयात पढ़ेंगे, मतलब वर्सेस पढ़ेंगे, तो उसके अंदर पूरा लिखा गया, आपके जो कैमल्स हैं, आपके कैटल्स हैं, वो हमने आपके लिए एक निशानी सिंबल के तौर पर रखा है, और जब आप उनको कुर्बान करो तो अब खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। जब आप कुर्बान करो, ऐसा नहीं लिखा गया कि कुर्बान करो ही करो, नहीं करना है सर, करना ये लिखा है। है। आपने बोला ना कि हाँ जब जब देखिए, इसमें ऐसा है, एक चीज होती है जनरल थिंग है, आपको कुर्बानी का ऑर्डर दे दिया गया है, अब आपको कुर्बानी करनी है, जब आप कुर्बानी करो तब खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। अच्छा ये वाला ये जब लिखा नहीं है कि गया है आपके कि पास आपको ऑप्शन कुर्बानी करनी है ऐसा लिखा है? है, करनी है, करनी है।
तो ये जो कॉन्सेप्ट पूरा बनाया गया है, तो वो इसलिए बनाया गया है कि अगर आप कोई एनिमल सेक्रीफाइस कर रहे हो और जिनके पास खाने के लिए नहीं है, तो आप उनको ये चीज दे सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना पैसा था, आपने एक एक तरीके से फीस्ट आपने कर दी सबके लिए। मैं समझ तो गया। और एनिमल सैक्रिफाइस की बात मतलब लिखी है, जी बिल्कुल है, अच्छा, पर लेकिन वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, मतलब चॉइस है हमारे पास, वी हैव अ चॉइस। अच्छा, तो क्या ये भी लिखा है कि जिस पशु की आप कुर्बानी करें वो आपको इतना ही अजीज होना चाहिए जैसे आपका खुद का बच्चा हो, ऐसा कुछ लिखा गया है? नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, लोग खुद पालते क्यों हैं कुर्बानी देने के लिए? नहीं सर, नेसेसरी नहीं है। किसी का शौक होता है पालने का, या किसी का बिजनेस होता है पालने का। अब जैसे मैं हूँ, अभी 4 दिन बाद बकरा ईद है और मैंने बकरे आज आज खरीदे हैं। तो कोई बचपन से पालता है उसे, कोई लोग ऐसा होता है सुबह ईद है तो शाम को लेकर के आते हैं। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको पालना है, उससे मोहब्बत होनी चाहिए, उससे लगाव होना चाहिए, ये कोई नेसेसरी नहीं। आजकल जो चीज हम देख पा रहे हैं उसमें ये कि बकरे को 2 दिन पहले खरीदा जाता है, उसको पता है कि वो कुर्बानी के लिए जा रहा है, जो उसको खरीद रहा है उसको कुछ भी दिल से लगाव नहीं है उसके, और वो उसको बस लेके आ रहा है क्योंकि उसको किसी ने कह दिया है कि अगर आप कुर्बानी दोगे तो आपके घर में जितनी भी बलाएं हैं वो टल जाएंगी, आपके चीजें अच्छी होने लगेंगी। ये चीज मतलब बिल्कुल गलत ही हो जाती है, क्योंकि कुरान में ये लिखा गया है कि अगर आप कोई जानवर को लेके भी आ रहे हो कुर्बान करने, तो आप उसको बचपन से पालोगे, उसको बचपन से ये खास पालोगे, लिखा गया है कि बचपन से पालना है? मतलब ये कि उसको उस तरीके से पालना है कि आपका उसका लगाव बिल्कुल दिल से लगाव हो उसका, आपको जो खुद का बच्चा है उसके समान हो, डिफरेंस ना ये हो लिखा गया है। दोनों में। हाँ डिफरेंस ना हो, उतना ही लगाव होना चाहिए आपको बंदे को उस बकरे से कि उसके बच्चे से उसको समझना चाहिए कि वो उसका खुद का बच्चा है वो, और वो खुद के बच्चे को कुर्बान कर रहा है, क्योंकि असलियत में तो बच्चे की ही कुर्बानी दी जा रही थी अल्लाह के लिए, ना कि जी बकरे की। वो तो दुम्बा बीच में आ गया क्योंकि अल्लाह नहीं चाहते थे कि उसकी उनके बच्चे की कुर्बानी हो। तो आपका अगर लगाव उस तरीके का होना चाहिए अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एक जानवर की कुर्बानी करनी है तो। आज मतलब वो थोड़ी फॉर्मेलिटी सी हो गई है कि भाई 2 दिन पहले ले आए। हाँ 2 दिन पहले ले आए और दिखावा कर दिया लोगों में कि हमने 25 साल का बकरा खरीदा है, ये देखो हम ऐसे बकरा लेके आ गए हैं, और मतलब बस शो ऑफ करना सामने वाले, मतलब एक तरीके से वो बना दिया, एक पॉप कल्चर की तरह बना दिया है इसको। अभी जो कल्चर मतलब आ गया है उसमें ये है कि कुर्बानी को ऐसा बना दिया गया है कि उसको एक अहम हिस्सा मान लिया गया है कल्चर का, उसके मान लिया गया अगर ये नहीं होगा तो इस्लामी नहीं है, तो जरूरी नहीं है। ये जिन जनाब से मेरी बात हो रही थी वो कह रहे थे कि कुछ हद तक ऐसा हो गया है अब तो कि अगर जो कुर्बानी ना दे तो वो कह देते हैं वो मुसलमान ही नहीं है, अगर तुम कुर्बानी नहीं करे तो तुम मुस्लिम नहीं हो, ऐसा है क्या? नहीं सर, मुस्लिम होने के लिए तो नेसेसरी नहीं है, तो मुस्लिम आप होने के बिना लिए नेसेसरी कुर्बानी नहीं है। दिए भी एक अच्छे मुसलमान हो सकते हैं। नहीं अच्छे तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मुसलमान हो सकते हैं। और कहीं पे ये भी बात की गई है कि जिस पशु की कुर्बानी दी जानी है उसके साथ कोई क्रूरता ना हो, वो भयभीत ना हो, वो पहले से इंजर्ड ना हो, ऐसी भी बातें की गई हैं। हाँ जानवरों के हुकूक पूरे हैं, मतलब एनिमल राइट्स हम जिसकी बात करते, तो इस्लाम में भी जानवरों के हुकूक हैं। हुकूक से मतलब कि कोई भी जानवर को दर्द नहीं होना चाहिए, कोई भी जानवर को ऐसी तकलीफ ना हो जिससे उसके रहने सहने में उसको दिक्कत आए, मतलब जैसे आप अपने बच्चा पालते हैं वैसे ही आपको एक जानवर को भी पालना है, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए उसमें। तो आज जिस तरह पशुओं की कुर्बानी दी जा रही है, कहीं पे ये जो लिखा गया है कि जो हिदायतें हैं कि पशुओं के साथ ये मत करो ये मत करो, कहीं पे उनकी वॉयलेशन नहीं हो रही? वॉयलेशन बिल्कुल हो रही है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने देखा है पाकिस्तान से बड़े वीडियोस आते हैं कि वो बड़ा सा बैल है उसको वो ऊपर चढ़ा रहे हैं क्रेन से नीचे उतार रहे हैं, कभी वो गिर जाता है, कभी पैर टूट जाता है, या वो इतनी लंबी बिल्डिंग से क्रेन से बैल टंगा हुआ है, तो आपको क्या लगता है वो रहमदिली हुई? नहीं सर, वो रहमदिली तो नहीं है। देखिए आप किसी की प्रैक्टिस को लेकर के, पाकिस्तान में क्या हो रहा है या अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, आप हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट करने आया हूँ तो मैं इस्लाम की बात, ठीक है, ठीक है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े बैल होते हैं या सांड होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और मैंने देखी ये वो वीडियो की वो बचपन से छोटा जब होता है तो उसको छत पे ले जाते हैं, और उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो वो सीढ़ियों से तो आ नहीं सकता, इतनी जगह होती नहीं है, तो उसको क्रेन से नीचे उतारा जाता है। देखिए सर, ये सूरह हज के अंदर आयत नंबर है 37, इसमें है कि अल्लाह को ना कुर्बानी के जानवरों का गोश्त पहुंचता है, मतलब मीट, ना उनका ब्लड पहुंचता है। अगर पहुंचता है तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है, तकवा मतलब है नियत, पार्टी पाइटी, पाइटी पहुंचती है। तो अब कोई दिखावे के लिए या इसको एज अ कॉम्पिटिशन लेकर के आ रहा है
यहाँ तक कि ये भी होने लगे कि जानवरों पे स्टेरॉइड्स लगा दिए जाते हैं उनको जल्दी बड़ा करने के लिए। ठीक है, ये कोई कंपटीशन का मौजू नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है कंपटीशन का कि मेरा जानवर बड़ा होना चाहिए या मैं ज्यादा काटूंगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप 10 बकरे काट सकते हैं तो आप काट लें, लेकिन ये कोई कॉम्पिटिशन का वो नहीं है। तो बड़े बड़े जानवर जो होते हैं या जिनको छत पे लेकर के जाया जाता है, वो गलत है सर, वो इंसानियत के भी खिलाफ है और इस्लाम के भी खिलाफ। मैंने जो कहानियां पढ़ी पैगंबर साहब के बारे में, वो ये था कि वो पशुओं के प्रति काफी संवेदनशील थे। एक चिड़िया को उसका भाई अंडा वापस दिलवाया, एक ऊंट था उसको उसके जालिम मालिक से बचाया। तो ये और फिर पशुओं की कुर्बानी, ये दोनों चीजें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं आपको? अगर मैं उस समय के हिसाब से सोचूं उसको, तो मुझे ये कारण लगता है कि वहां पे वेजिटेशन बहुत कम था, लोगों के पास खाने के लिए कोई जरिया नहीं था, तो मुझे लगता है उन्होंने ये एक उपाय निकाला होगा, उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला होगा उस चीज से आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए उन्होंने इतने इतने डिटेल्ड तरीके से कुर्बानी की हर चीज के बारे में बताया है, अगर वो जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं तो। बट अब हम बहुत आगे आ चुके हैं, हम अब जिस समय कुरान लिखी गई थी उस समय से और अभी समय में बहुत फर्क हो चुका है, तो इस ये जो एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है उसको जरूरत नहीं है अब। क्योंकि तब हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और हैं। पर जैसे हमारे मोबाइल पे ऐप होती हैं, वो तो अपडेट हो जाती हैं, नई नई आती रहती हैं, हाँ लेकिन जो हमारा रिलीजन रहता है वो तो ज्यों का त्यों रहता है, उसमें तो कोई अपडेट आता होता नहीं। है, करेक्ट, कहीं पे वो एक गैप आ गया है जिसकी कीमत बड़े हाँ सारे पशु चुका रहे हैं। क्या कुरान में पशुओं के प्रति दया की बात की गई है कि उन्हें दर्द ना हो, उन पे जुल्म ना हो? नहीं सर, कुरान में तो जहां तक मैंने पढ़ा है, मुझे तो अभी ऐसी कोई आयत नहीं मिली है, लेकिन कुछ हदीस, हदीस का मतलब है जो मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स हैं उनमें मिला है। ठीक है, कुरान के अंदर एक आयत जरूर है जो थोड़ा सा मतलब एनिमल राइट्स के बारे में बात करती है, ये मैंने आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दे आर ग्रुप्स लाइक यू, अल्लाह ने उन्हें बनाया है तो तुम उनको खिलाओ खिलाओ और उनके दरमियान इंसाफ करो। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से अल्लाह ने तुम्हें बनाया है उसी तरीके से जानवरों को बनाया है। अब आती है एनिमल राइट्स इन इस्लाम। देखिए, एक हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कयामत के दिन, कयामत के दिन मतलब जिस दिन हमारी जिंदगी का हिसाब होगा, कयामत के दिन जब तक इंसान अपनी जगह से हिल नहीं जाएगा, मतलब कुछ नहीं होगा कि जब तक सबको इंसाफ ना मिल जाए, यहाँ तक के भेड़ बकरियों को भी इंसाफ मिलेगा। ठीक है, और एक हदीस है, कोई भी लिविंग बींग है, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरा है, गाय है, अगर आप उसको खिलाते हैं तो वो भी एक चैरिटी है। ऐसे नहीं कि आप किसी इंसान को खिलाएंगे तब भी वो चैरिटी है, आप किसी जानवर को भी अगर खिलाते हैं तब भी वो एक चैरिटी है। एक तो हदीस में पशुओं आता के है, प्रति इंसाफ की बात करी गई है, तो आपको लगता है कि जिस तरह पशुओं को आज की डेट में पाला जाता है, जिस तरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कुर्बानी से पहले जिस तरह रखा जाता है, कहीं पे वो दर्द में होते हैं, डर में होते हैं, तो क्या ये नाइंसाफी हुई या ना हुई? सर बिल्कुल नाइंसाफी है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जहाँ मुर्गे पाले जाते हैं ब्रॉयलर वाले, तो मेरे गांव में है कुछ, तो वहाँ मुर्गों की दूरदशा बहुत खराब होती है, वो प्रॉपर ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, मैं देखता हूँ। हाँ, इसमें यह है कि एनिमल का राइट है, लेकिन एट द एंड इस्लाम जो कहता है एनिमल एक लिविंग बींग है, उसके अंदर इमोशंस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर दर्द भी होता है उसे, ठीक है, वो जिंदा भी होता है, तो जब आप उसके साथ रहेंगे तो उसको ट्रीट अच्छे से करना है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक शख्स के बाग में गए अल्लाह के नबी, तो उसके ऊँट के ऊपर सामान रखा हुआ था, तो ऊँट ने अल्लाह के नबी को देखा और उसकी आंखों से आंसू आने लगे, ऊँट की आंखों से, तो उन्होंने ऊँट के आंसू साफ किए और फरमाया, आपने उससे कहा, जिस बंदे का ऊँट था, क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता कि तुमने इसके ऊपर जुल्म किया है। हाँ, हाँ, ये हदीस है ना जो अभी आपने बताई। बहुत सारी हदीस मैं आपको दे सकता हूँ हाँ, तो इन इस हदीसों किस्म का तो इल्म है मुझे, तो वही मैं जान रहा हूँ। जब ये हदीसें हैं, जब कुरान में भी इंसाफ की बात की गई है, तो उस पार्ट को इग्नोर क्यों कर दिया जाता है, जबकि जिस दिन कुर्बानी दी जा रही होती है, साफ दिख रहा होता है कि जो पशु हैं वो डरे हुए हैं, उनके सामने दूसरे पशु की बलि दी जा रही होती है, कुर्बानी दी जा रही होती है, खून बह रहा होता है, तो ये चीज इग्नोर क्यों कर दी जाती है? कुरान की एक बात आप बिल्कुल मान रहे हैं कि कुर्बानी देनी है, पर इंसाफ वाली बात इग्नोर हो रही है, ऐसा क्यों? देखिए, एक पशु के सामने दूसरे पशु को काटना ये भी मुनासिब नहीं है, मुनासिब का मतलब है ठीक नहीं। जैसे मैं पर्सनली जब मैं कुर्बानी करता हूँ, तो अगर मैं एक बकरा, जब 2 या 3 4 बकरे जब होते हैं, तो जब पहले की बारी आती है तो मैं उसको
जो जिंदा होते हैं उनको दूर कर देते हैं, ये अपने भाई को करता हुआ मारते हैं। हालांकि पता है 15-20 मिनट बाद इनकी भी बारी आती है, उनका पर भी नंबर कितनी आता है। दूर रखते हैं जहां पे उन्हें ना खून की स्मेल आएगी ना उन्हें चीखे सुनाई देंगी, इतनी दूर रखते हैं? नहीं इतनी दूर तो नहीं रखता मैं, आपको बताऊं बस अरे ये तो कि एक दीवार के बात बताइए, पीछे। मान लीजिए आपको दिख नहीं रहा, आपकी पीठ के पीछे किसी को काटा जा रहा हो, इंसान को मारा जा रहा हो, उसकी चीखें आपको सुनाई दे रही हैं, तो ये मुनासिब हुआ? नहीं सर इंसान तो समझ सकता है ना, अब मैं इसके अंदर तो नहीं आ सकूंगी, नहीं, बकरा मैं समझता है एक कि हाँ पशु इसको की काट। बात कर रहा हूँ कि आपकी पीठ के पीछे आपको चीखें सुनाई दे रही हैं, आपको खून की गंध आ रही है, तो कहीं पे तो आप डरोगे ना, कहीं तो आपके साथ नाइंसाफी नहीं हाँ हुई? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप एक जानवर को जिबा करें तो जो अभी जिंदा है जिसकी बारी आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आनी है, जब तक वो जिंदा है उसको इस बात का एहसास ना हो कि हाँ अगला नंबर मेरा। एहसास ना हो तो यानी कि ना दिखाई दे ना सुनाई दे ना उसे मौत की गंध आए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं कहता हूँ जी मैं हिंदू हूँ, मेरे लिए जो सबसे बड़ी वैल्यू है अहिंसा है, आप कहते हैं आप मुस्लिम हैं, आपके लिए ऐसे सबसे बड़ी क्या वैल्यू है जैसे आप कहते हैं भाई मैं मुस्लिम हूँ और इसलिए मैं फिल इन द ब्लैंक्स, मैं क्या हूँ? मेरा दिल नरम है और पूरी मखलूक के लिए मेरे दिल में रहम है। ये जो आपकी वैल्यू है ये डिफाइन करती है आपका मुसलमान होना। हाँ मुझे सबसे प्यारी चीज यही लगती है, और अल्लाह तक जाने का जो रास्ता है वो भी प्यार से होते हुए ही जाता है, बिना प्यार के पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा आपका मानना है या ये कहीं पे कहा गया है, जैसे हिंदू आप धर्म देखें तो उसमें कहा गया है भाई अहिंसा परमो धर्म, ठीक है ना भाई, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा ड्यूटी है वो करेक्ट अहिंसा है। इसी करेक्ट। तरह इस्लाम में क्या है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वैल्यू जो कहेंगे आपके अनुसार, नहीं जो है लिखा गया है कोई ऐसी वैल्यू? मतलब रहम करना तो हमारी एक वैल्यू है कि हमको जिस कायनात में बनाई गई पूरी मखलूक पे रहम करना है, क्योंकि रहम करना ही आपका एक तरीके से उसको जज करने का तरीका होता है। करेक्ट मतलब जी जजमेंट डे वाले दिन आपको जब जज किया जाएगा वो इसी करेक्ट अनुसार ही आएगा कि आप कितने करेक्ट रहम थे, तो करेक्ट। फिर तो उस अनुसार तो कुर्बानी में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है ना? कैसे सब समझाइए मुझे। अगर आपकी रहम दिली के अनुसार आपको जज किया जाएगा और आप हर साल कुर्बानी देते आए हैं तो तो वो कहीं तो पे तो आप मैच ही उस नहीं कर रहम, रहा है। करेक्ट है, वो दोनों अलग अलग रास्तों पे जा रहा है वो। और क्या सिर्फ कुर्बानी देना आपको एक अच्छा मुसलमान बना देता है? नहीं सर, सिर्फ बकरे की कुर्बानी देना आपको अच्छा मुसलमान नहीं बना देता। बकरे के साथ साथ आपको अपने अंदर की अहंकार की, अपने अंदर की बुराई की, अपने अंदर जो मक्कारी एक इंसान के अंदर होती है, अगर आपको एक अच्छा मुसलमान बनना है तो आपको बकरे के साथ साथ हर बुराई की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। एक मुसलमान के लिए टॉप मोस्ट क्या चीज है जो आप कहेंगे कि भाई ये चीज है तो ये एक अच्छा मुसलमान? अच्छा मुसलमान वो है जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है। इताअत का मतलब है उनका कहना मानता है। अब हम परफेक्ट तो है नहीं, गलतियां हमसे भी होती हैं, भूल होती हैं। अगर आपसे गलती होगी तो आप उसकी माफी मांगेंगे, ठीक है? तो अपने आप को बेटर करते जाना और जो बातें आपको बताई गई हैं वो करना, जिनसे रोका गया है वो करना। इस तरीके से एक आदमी अच्छा मुसलमान बनता है। कहीं पे रहम दिली का भी उल्लेख है कि भाई जिस दिन जजमेंट डे होगा उस दिन आपको आपकी रहम दिली के अनुसार जज किया जाएगा, हाँ सर बिल्कुल, ये उल्लेख है? ये उल्लेख है कि जो शख्स मतलब जो इंसान दूसरों पर मतलब अपने छोटों पर रहम नहीं करता है, अपने से कमजोरों पर रहम नहीं करता है, तो अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप जिनके ऊपर आपको अथॉरिटी है, अगर आप उनकी गलतियों को माफ नहीं कर सकते तो आप गॉड से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मेरी गलती को माफ करे। तो रहम दिली सिर्फ गलतियों को माफ करने पे एप्लीकेबल है और चीजों पे भी होगी? काइंडनेस मतलब फॉरगिविंग, फॉरगिव करना एक बात हो गई, काइंड होना? इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आपने किसी को भूखा देखा और आप इस कंडीशन में हैं कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो आप फॉरगिवनेस के साथ साथ काइंडनेस भी है, कंपैशन भी है, करेक्ट? और मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ जो ईद वाले दिन पशुओं की कुर्बानी दी जाती है, आगे पीछे भी जिन पशुओं को आया जाता है उनके साथ आपको लग रहा है कि रहम दिली से पेश आया जा रहा है? देखिए पॉपुलेशन तो आपको पता है कि स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है? तो देखिए मैं ये नहीं पूछ रहा कि उसका आज कारण क्या है उस क्रूरता का, मेरा सवाल तो सिर्फ ये है आप मांस खाते हैं, हाँ सर मैं खाता हूँ, तो जो आप हाँ मांस मैं खाता हूँ। खाते हैं जिस पशु का आप मांस खाते हैं आपको लगता है कि उसके साथ जिसने उसको बड़ा किया काटने के लिए बेचने के लिए जिस तरह उसके साथ पेश आया जा रहा है क्या उसको रहम दिली कहेंगे? फार्म नहीं जो फार्म्स में होता है और से ही जो तो बड़ी बड़ी आता है इंडस्ट्री मांस, में होती है, फार्म जो से ही आ रहा है, लोग KFC में खा रहे हैं, मैकडोनल्ड में खा रहे हैं या किसी नहीं ढाबे मैं में अगर होटल में खा चिकन रहे हैं? की बात बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल बफ खाते हैं हम लोग, बफ का मतलब है बफेलो मीट, ठीक है? तो मेरे घर के आसपास डेरिया है, मैं देखता हूँ यहाँ जानवर को हर वो सहूलत यानी हर वो फैसिलिटी है जो उसको चाहिए होगी,
पंखा लगा होगा, कूलर मला होगा, टाइम पर आपको खाना मिल जाएगा, आपकी साफ सफाई कर दी जाएगी। तो यहाँ तो कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है इस तरीके का। लेकिन हाँ, पोल्ट्री फार्म्स में देखता हूँ या जो स्लॉटर हाउसेज होते हैं उनमें इन चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता। आपने कभी देखा है कि भैंसों को किस तरह स्लॉटर हाउस में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किस तरह उन्हें भर के किया जाता है, किस तरह उतारते हैं? आपको ये पता है कि स्लॉटर जो है हथौड़े से या कई बारी ऐसी कुंद आरियों से जिनमें धार नहीं होती, इनसे भी स्लॉटर किया जाता है? हाँ सर, किया जाता है और ये पूरी तरीके से अनइस्लामिक है। लेकिन फिर भी आप खाते हुए ये नहीं सोच रहे ना कि क्योंकि मैं ये खा रहा हूँ इसके लिए इस पशु के साथ क्रूर बर्ताव किया गया? रहम दिली वाला तो कोई भी पशु नहीं आ रहा होता हमारी प्लेट पे, ऐसा नहीं है? नहीं अच्छा, सर, मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं। तो रहम दिली की भी बात की गई है, कुर्बानी की भी बात की गई है, ऐसा क्यों? कि कुर्बानी के बारे में तो आप बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हैं कि ये तो मुझे करनी ही करनी है साल में एक बारी, लेकिन रहम दिली जो साल के 365 दिन की जा सकती है उसके बारे में आप इतना नहीं सोच रहे, ऐसा क्यों? देखिए सर, एक चीज है जो मेरे कंट्रोल में, ठीक है, एक चीज है जिसके बारे में मैं अगर सोच भी लूं तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो अब जैसे कुर्बानी है, मुझे जानवर खरीद के लाना है, मुझे कसाई को बुलाना है, वो मेरे लिए खाए। लेकिन मैं जो जानवरों के साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लॉयटेशन जो होता है मैं उसको रोक नहीं सकता, वो मेरे उसमें नहीं है। अगर मैं सोचू नहीं तो सोच के कोई फायदा नहीं है सर, मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए। आप उसमें जो आपकी पार्टिसिपेशन है उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? आपने जैसे कहा कि आप बफलो खाते हैं, बफलो के साथ क्रूरता होती है, ठीक है, आपने कुर्बानी दी साल के एक दिन, पर साल के बाकी 364 दिन तो आप मांसाहार से दूर रह सकते हैं क्योंकि आप एक अच्छे मुसलमान हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो जो मांस आपके पास आ रहा है उसके लिए जानवर के साथ बेदर्दी हो रही है। नहीं, हम कुर्बानी से आगे आ गए हैं, है ना, आगे की बात कर रहा हूँ, आसपास वाले बाकी साल की बात कर रहा हूँ कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें हम मुर्गे भी खा रहे हैं जी, उसमें जी हम भैंस भी खा रहे हैं, और हमें पता है कि उनके साथ क्रूरता से पेश आया गया, तो फिर जजमेंट डे वाले दिन क्या होगा? नहीं, सेंस वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि उनको खाए ना या उनको काटे ना। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जब हमें पता है कि नहीं दी जा रही, ये तो हम जानते हैं, फैक्ट है, तो फिर आप कह रहे थे ना कि हम इस बारे में कुछ कर नहीं सकते। मैं कह रहा हूं क्यों नहीं कर सकते? हम उस क्रूरता से आए हुए प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकते हैं अगर हम वो सब मानना चाहते हैं जो लिखा गया है, एकदम हम दिल से मानते हैं, है ना, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने फायदे की बात ले रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ये भी गलत हुआ इस्लाम के अनुसार कि सिर्फ अपने फायदे की बात मान ली और बाकी बातें छोड़ दी, ये भी तो गलत ही हुआ, नापाक बात हुई हाँ सर, ये तो गलत होगा, हर चीज गलत होगा। भाई। दो बातें हुई, कुर्बानी की बात हुई, आपने कहा भाई कुर्बानी तो लिखी है, एक अच्छा मुसलमान कुर्बानी देगा। मेरा बस आपसे जाते जाते ये सवाल है कि क्या एक अच्छा मुसलमान जब जान जाता है कि उसकी प्लेट पे आने वाला जो मांस है उस पशु के साथ रहम दिली से नहीं दरिंदगी से पेश आया गया है, जब से वो पैदा हुआ और जब तक वो मरा नहीं तब तक, क्या वो अच्छा मुसलमान ऐसे मांस को नकारेगा? क्या वो उसको हराम मानेगा या नहीं? नकार तो नहीं सकते, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब है तो है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ चीजें होती हैं कंपलसरी जो हमें करनी है। ये जो एनिमल राइट्स की मैंने आपसे बात की, इनकी तरगीब दी गई है, मतलब इनको सजेस्ट किया गया है, इनको इंकरेज किया गया है, ठीक है। अगर कोई इंसान ये सब जानने के बावजूद भी अगर कर रहा है, खा रहा है, तो वो खाने वाला सिंफुल नहीं होगा। जो जानवरों को एक्सप्लॉइट कर रहा है आप उसको तो सिंफुल कह सकते हैं, लेकिन खाने वाला सिंफुल नहीं होगा। मैं समझ गया, क्योंकि वो एक सजेशन है, सुझाव है, ऐसा नहीं कहा गया कि देखो तुम इसमें पार्टिसिपेट मत करो। हाँ, अगर ये लिख दिया गया होता तब आप ये बात मानते। हाँ सर, चलिए, थैंक यू आपके समय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाते जाते और आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप जो सर काम करते हैं जानवरों को बचाने का, उनको रेस्क्यू करने का, ये बहुत नोबल वर्क है और मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ओके, थैंक यू, और मेरी आपसे अब दोबारा ना जाने कब बात होगी, तो ईद मुबारक, थैंक यू सर। बाय।